इस दुनिया में गरीब का पेट तो भर जाता है मगर अमीर की आंख नहीं भरती। दागदार कपड़ा ख्वा कितनी बार भी धोया जाए नए लिबास की बराबरी नहीं कर सकता। हाँ, गुनाह का दाग हुस्ने अमल से साफ हो सकता है। बदखो औरतों से झगड़ा करने की निस्बत सांपों से खेलना कम खतरनाक है। महबूब की मौत के साथ आशिक की आरज़ुएं भी दफन हो जाती है। जो कौम खून को देखकर रो देती है वो जल्द ख़त्म हो जाती है। बाजू पर तावीज़ बांधकर छातियों पर तोपों के गोले को बर्दाश्त करने के लिए ये कहकर मैदान में ना भेज दो कि दुश्मन का हर निशाना खत आ जाएगा। दुश्मन के हथियारों से बेहतर हथियार, दुश्मन की कुर्बानी से बेहतर कुर्बानी, दुश्मन के इखलाक से बेहतर इखलाक, मोमिन का तुगराए इम्तियाज़ है। गुनाह जब इबरतनाक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर ले तो इंसान निदामत के गहरे समंदर में गर्क हो जाता है। ग़ुलाम कौम में गलत गैरत अपने भाई की गलती पर गला काटने पर आमादा करती है मगर गैर बेइज्जत भी करे तो शिकवा नहीं होता। पैसे घर में रखकर अल्लाह अल्लाह करना क्या नेकी है? नेकी यह है कि उस निज़ाम को बर्बाद कर दिया जाए जिसकी पिलाई हुई भूख की आग से दोज़ख़ पना मांगती है। मुल्कों और कौमों के इंतहाई ख़तरे के वक़्त औरत अगर जान कुर्बान करने से ग्रेज़ करती है तो उसे शिकस्त के बाद दुश्मन के सामने अपना जिस्म पेश करना पड़ता है। उम्रा की मोटरों का धुआँ दरअसल बेकसों की आहें है और पेट्रोल मुसीबत ज़्यादा लोगों का खून है। कानून गरीब को पीसता है जबकि दौलतमंद कानून पर हुकूमत करता है। गरीब का अमीर के मिजाज के खिलाफ कोई हरकत करना बारूद को आग दिखाना है। बढ़ापे में माँ बाप जवान औलाद के पास बैठने में खुशी महसूस करते हैं मगर अफसोस जवान औलाद को तन्हाई पसंद होती है। निदामत और मायूसी मिलकर बुजदिलों में भी शेर का हौसला पैदा कर देती है। बेहिम्मतों के लिए रहमत आसमान से नहीं बरसती अलबताबा हिम्मतों के लिए वो ज़मीन से फूट सकती है। जिस घर में खुश मिजाज और पाकबाज औरत है वहाँ यास और गम पास नहीं पड़कते। दौलत और असर के बढ़ने के साथ जिम्मेदारियों में भी इजाफा होता है। जिसको पेट से फुर्सत ना हो वो ईमान और इल्म की दौलत कैसे हासिल करे? पानी जब रुक जाता है तो उसमें उफूनत पैदा हो जाती है। कुर्बानी का सिर्फ खून जब रवानी से रुक जाता है तो कौमों की अजमत खाक में मिल जाती है। जो कौम सियासी आज़ादी को खो देती है वो उन कुव्वतों से महरूम हो जाती है जो फितरत ने हर इंसान को बख्शी है। नौकर औरत और औलाद किस्मत ही से अच्छे मिलते हैं। इंसानों में अफजल वो है जिसके दिल में शहादत की तड़प हो। झूठ बोलकर किसी को नुकसान पहुंचाया है तो सच कहकर किसी को फ़ायदा पहुंचाओ। ना हक किसी का हक छीना है तो किसी हकदार को हक दिलाओ। तंग दस्ती घसीट घसीट कर कुफर के दरवाजे तक ले जाती है। कफारे का उसूल यह है कि अगर बेगुनाहों को कत्ल किया है तो किसी की जान बचाओ। इबादत नेकियों का जरिया होती है खुद नेकी नहीं। इकरार ऐब बेसबब रसवा होने के मुतरादिफ है। हुस्न बेबुनियाद है लेकिन इश्क बेबुनियाद नहीं।